हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, इतना दिन से तो आप सब ने देख लिया कि मैं अपने भाई का शादी में बिजी थी। भाई का हल्दी, मेहंदी, ओलीमा, बारात और लड़की को जो लेने आए थे हम लोग के घर, वो भी आप सब ने देख लिया। और आज हम लोग लड़की को लेने के लिए उनके मायके जा रहे हैं, क्योंकि शादी तो हो गई थी। शादी होने के बाद हम लोग मुस्लिम में एक नौरोजी कहा जाता है, 9 दिन का नौरोजी कहा जाता है, वही करने के लिए लड़की लड़का वहाँ पे था, लड़की अपने मायके में थी। लोग का दुल्हन को लेने के लिए, मतलब मेरी भाभी को लेने के लिए, और उसी का ब्लॉग मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और आप सब देखना गाइस, बहुत मज़ा आएगा गाइस, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। हम लोग कितना आदमी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, आज देखते हैं। अगर मुझे मौका मिला, अगर मुझे शूट करने का मौका मिला तो फुल वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि खाने जब क्या क्या खा रहे हैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, और कहीं जहाँ जेंट्स रहता है वहाँ मैं जा नहीं पाती हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो इसीलिए मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना गाइस। अगर मुझसे आज हो सके तो सारा वीडियो मैं आप सबको दिखाऊंगी ब्लॉग के जरिए, तो आप सब देखना। तो देखिए गाइस, आज मैं साड़ी पहनी हूँ, तो देखिए आज मैं साड़ी का लुक, देखिए ये साड़ी है, शिफॉन का साड़ी। ये साड़ी का कलर पीच कलर में है, पीच और मेजेंटा कलर में, फ्लावर मेजेंटा कलर का है। और मैंने आज साड़ी पहनी है, और सब बोले भाभी, मेरे भाभी सब बोले कि सबको हम लोग साड़ी में चलते हैं, तो मैं भी आज साड़ी में चल रही हूँ और साड़ी पहनी हूँ। तो आज का मेरा ये लुक कैसा लगा आपको, आप सब बताना। तो देखिए गाइस, आज का ये मेरा लुक है, आज मैं शिफॉन साड़ी पहनी हूँ, और आज मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में जरूर बताना गाइस, अच्छे अच्छे कमेंट करना गाइस, जो मुझे खुशी होती है। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ लड़की को लाने के लिए। आज का ब्लॉग देखिए और इंजॉय कीजिए। आयशिन रेडी हो गई है, क्या पहनी है आयशिन? गराड़ा। गराड़ा किसने दिया है आपको? ये गराड़ा मम्मा ने। पीछे से अपना हेयर स्टाइल दिखाइए, दिखाते हैं कैसे हेयर स्टाइल की है। वाओ, बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल किया है। अस्सलाम वालेकुम। वाओ, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अभी हम लोग निकल रहे हैं ना चाची के घर, चाची के घर ना जाएंगे ना। ये है मेरी आयशिन और आयशिन की फूफी, है ना, आयशिन आयशिन की फूफी, दोनों में बहुत प्यार। एक तो किसी करिए, अरे वाह मेरी गुड़िया। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ फ्रेंड्स? चाची के घर। क्या करने के लिए जा रहे हैं? चाची के घर लेने के लिए, चाची को लेने के लिए, है ना। चाची को आज फाइनली घर लेके आ जाएंगे और जाने नहीं देंगे, है ना। आपको आप जाने दीजिएगा नहीं? अच्छा ठीक है, चलो हम लोग बैठ गए, निकल गए ना चाची को लाने के लिए। हाँ, पीछे कौन कौन है? छोटी मामी, खाला, खाला, अरे दी छोकी, भाई भाई, अच्छा खाला बेटा। हाँ, बेटा इधर बेटी। अच्छा बेटा बेटी, वहाँ की खाला की तोर बहन? हाँ, मोर बहन, मोर छोटो बहन ना। अच्छा, चाची रमा मेरी बहन। हाँ, हम लोग निकल गए अब वहाँ से। तुम्हारा किसको लेना है? रोजी आंटी को लेना है ना, आंटी है ना, तुमको पता है रोजी आंटी? नबील का मम्मी को पहचानते हो? नहीं पहचानती हो? अच्छा चलो, वहाँ से उन लोग को लेंगे फिर निकल जाएंगे। इतना नज़दीक है, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। सुहास पल्ली चौक। कहाँ रखे? अंदर वो जो जाएगा, अभी जाएगा तो उसके इसमें संदेश है, उतारेगा कहाँ पे? यहाँ रोड पे, वो अंदर का नहीं लगा, बाकी सब आदमी उतर गया है। हाँ, अब हम लोग उतरने वाले हैं। उधर से अंकल आ रहे हैं हम लोग को लेने के लिए।
सो फाइनली गाइस हम लोग भाभी का मायका पहुंच गए हैं, और जाते ही पहले हम लोग को डाइनिंग हॉल पे बैठा है क्योंकि हम लोग लेट पहुंचे थे, और इतना लेट पहुंचे थे कि लंच का टाइम चला गया था। तो सबसे पहले इसीलिए हम लोगों को जाके सबसे पहले डाइनिंग हॉल में बिठा है। तो हम लोग बैठ के सब कोई लंच के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले स्नैक्स लेके आया, उसके बाद फिर लंच किए सब कोई मिल के। तो आज का ये ब्लॉग देखिए, आ रही है कि हम लोग क्या खा रहे हैं। अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अरे हम लोग का दुलारिया किधर है? नीचे। अच्छा, नहीं नहीं रहने दो, शर्मा जाएगा। हाँ हाँ शर्मा जाएगा। निकाल को ना। चाची वो तो परेशान तुम्हारे लिए, तुम्हारे जा जा चाची का गोद में बैठो, जा परेशान, चाची के पास जाना है, चाची के पास जाना है। दोनों चाची भतीजी एक जैसा। अरे वाह, और घुमा दो, हाँ एक बार और घुमा दो, हाँ घुमा घुमा घुमा, वाह खाओ 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 खोल दे अभी, नहीं ये पुपी है ना, काला है। स्नैक्स खाना है, चलो खाओ खाओ नहीं खाओ खाओ। हम लोग का लंच हो गया, उसके बाद भाभी लोग आई लंच करने के लिए, क्योंकि भाभी मुझसे भी ज़्यादा लेट आई थी, सबसे पीछे आई थी, और भाई भी बैठे थे लंच करने के लिए। तो मैं आप सबसे वादा की थी कि जो भी हम लोग खाएंगे पियेंगे सबका रिकॉर्ड करूँगी और सब शूट करके आप सबको दिखाऊँगी। तो इसीलिए मैं लंच करने के बाद ये लोग का रूम में आई, तो ये लोग खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे, तो ये लोग का भी शूट की। और देखिए सब कोई लंच कर रहे हैं, और लंच बहुत अच्छा था, बहुत ही डिलीशियस था, और बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ा आया खा के, और बहुत इंजॉय किए। तो देखिए आज का ब्लॉग। तो गाइस लंच करने के बाद सबको एक साथ बैठे थे एक रूम में, भाई का रूम में, जो भाई भाभी रहते हैं तो उसी का रूम में बैठे थे, और सब कोई बातें कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी बाजी है, मेरी दोस्त है, और बाजी की बेटी की गोतनी है, गोतनी का मतलब जा, वो लोग है, बाजी की समदीन है। सब कोई बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे। और इधर आयशिन का तबीयत ख़राब था, वो सो के थी, और उसको मैं सुला के रखी थी, जैसे वो खुद गए नहीं, और ज़्यादा कुदकने से बीमारी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं उसको सुला के रखी थी। तो देखिए हम लोग का आज का ब्लॉग। अब बच्चा का तो करना ही पड़ेगा, सब बच्चा अपना ही होता है, और हमको तो बहुत डर लगता है सब चीज़ में। बाप रे बाप, हम इतना डरे थे ना इसका उल्टी देख के, और क्या बताएं, उसी वजह से तो मैंने इसको सुला दिए लाके, आराम करे यार, थोड़ा थोड़ा करके वो पिला देते हैं। ओरस पिए? हाँ पिए 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 जी।
बोलिए तो कल मार्केट में नहीं मोमोज खाना है, मोमोज खाना है तो खाना ही है। नहीं गर्म से होता है, ठंडा झेल जाती है, गर्म का ही नहीं उलट है। अच्छा चाची का क्या तबीयत? तो गाइस लंच करने के बाद मतलब हम लोग कुछ जो औरतें थे तो सब कोई मिल के हम लोग चले गए रोजी बाजी के घर, मेरे बड़ी बाजी के घर। तो मेरे बड़ी बाजी का घर पास ही में था और दुल्हन के घर के पास ही था, तो हम लोग चले गए वहाँ घूमने। तो सब कोई जाना था कि मेरे बाजी के घर कोई गया नहीं था, तो सब कोई बोला कि चलो एक बार घूम के आते हैं। तो सब कोई वहाँ पर जाके चाय नाश्ता किए थोड़ा सा, और सब कोई वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स किए, रिलैक्स हुए। तो मैं ज़्यादातर नहीं रुकी थी, मैं थोड़ा सा उन लोग का शूट करके फिर मैं दुल्हन के घर आ गई। करना है चाची तैयार हो रही है। होली लेते हैं ना, होली लेते हैं तो पहने रहना पड़ेगा वहाँ पे। अभी क्या पहने रहना पड़ेगा? कितने घंटे? अभी जब तक गेस्ट आते रहेंगे तब तक तो पहने रहना पड़ेगा भाई। हाँ। और कौन गेस्ट है जो आया है वही रुक फिर भी कोई आस पास से जो नहीं आया वो लोग आ सकते हैं ना। खोल लेते हैं, खोल लो। देवर भाभी का प्यार, माँ बेटा का प्यार, यहाँ काला काला ब्लैक ब्लैक सामने ये LED के चलते आ रहा है। इसको ये कर देंगे नहीं नहीं है कुछ बाकी है, बाकी है ना परसों के लिए छोड़ा हुआ है। बाकी है कुछ, इधर देखो। ये है हमारी नई देवरानी जी, अब देवरानी जी को ले जा रहे हैं हम। लेके जा रहे हैं, हम लेने आए थे, लेके जा रहे हैं। और आने नहीं देंगे, मुझे नहीं जाना। चाची को क्या करने आए हो? किस लिए आए हो? चाची को लेने आए हो? से बट वे मिनट, एक चाची को देखो गुस्सा हो गई। चाची डोंट वांट टू गो होम। चलो भाई, जेठानी देवरानी कल से हुकुम चलाएगी। हाँ हुकुम चलाऊंगी मैं, आग दिखाऊंगी मैं। आपने देखा 10 साल में कभी चलाया? ऐसा कोई बात नहीं, देवरानी जेठानी में बहुत प्यार है, बहुत प्यार रहेगा। और जो बड़ी बहन छोटी बहन की तरह रहेगा बस। हाँ बड़ी बहन छोटी बहन की तरह रहेगा। और ये हम लोग का जो अंबर है माशाल्लाह, क्या कहना है। अब छोटी भाभी को भी देखना है जाके, क्योंकि छोटी भाभी से उतना मिली नहीं हूँ मैं। अब मिलूंगी तब पता चलेगा, बड़ी भाभी से तो अच्छा बॉन्डिंग है मेरा। अब इसके साथ भी बॉन्डिंग बनाना है, सना के साथ भी बॉन्डिंग बनाना है। अभी क्या बोल रही थी? मैं कह रही थी आप थोड़े दिन बाद सना को आपके हवाले और आपको सना के हवाले। वो तो तुम चली जाओगी, उसके बाद तो मुझे ही सना के साथ रहना पड़ेगा। और सना को वो देखिए आयशिन क्या कह रही है, चाची इज कमिंग टू मारे, सोच लो।
सो फाइनली गाइस, अब लड़की का विदाई का टाइम हो गया, अब विदाई होने वाला है कुछ देर में लड़की का। और देखिए उसका मम्मी पापा साथ में है, और रोना धोना कुछ चलेगा, उसके बाद विदाई होगा। तो देखिए विदाई का ब्लॉग, देखिए आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, आप लोग ज़रूर कमेंट करना गाइस। और जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके सब्सक्राइब कर ले जल्द से जल्द, बेल आइकन को दबाए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए लड़की रोना भी शुरू कर दी है, और हाँ मायके से ससुराल जाने से रोना तो आता ही है, सबको रोना आता है, मुझे भी आया था। अब तो मैं मेरा तो बहुत दिन हो गया तो कोई बात नहीं, आपने शुरू शुरू में भी रोती थी, सब लड़कियाँ रोती हैं, तो सना भी रो रही है, और वो रो रही थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था अंदर से, मुझे भी रोना आ रहा था अंदर ही अंदर। तो देखिए आज का ब्लॉग विदाई का, और देखिए उसका मम्मी पापा सना और हम लोग का दूल्हा मियाँ मेरा छोटा भाई फैज़, सबको एक साथ बैठा हुआ है, और उसके बाद सबका फ़ोटो ले रहे थे, और ये यादगार रहता है, यादगार रहने के लिए फ़ोटो खींचा है। और देखिए आज का ब्लॉग और एंजॉय कीजिए। नहीं बाजी, आप मैं आपकी खींच देती हूँ। हाँ अब गोद में लेके बैठ जाइए। आपकी लेना ही पड़ेगा। ओ क्या हुआ? जाओ ना पुप्पी के पास जाओ। आप गुस्सा क्यों हो गया? वो वहाँ बैठेगी चाची के पास। जाओ बैठो, जाओ जाओ जल्दी, तो जाओ अभी वीडियो चल रहा, जाओ गो फास्ट फास्ट फास्ट। आशी स्माइल मत बैठो, जाओ। अंबर बैठा, उसको बैठा। हाँ हाँ जाओ, हाँ बैठो। आगे बिट्टू को, सिट्टू को बैठ जाने बोलो। इसका साड़ी पहले एडजस्ट कर लेंगे, गोदी में देखो। कहाँ बैठोगे फिर? तुम आती ना तो यहाँ पे रहने का। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। फाइनली गाइस, अब हम लोग दुल्हन को लेके अपने घर आ गए। अब दुल्हन को उतार रही हूँ मैं, और उतार के अंदर लेके जाऊँगी,
और सबसे पहले जो मेरे हाथ में पोटली है तो दुल्हन जाके अपने सास को देगी। शायद ये रसम है, मुझे नहीं पता था ये यहाँ का रसम होगा। तो आप लोग देखिए कि कैसे ये दुल्हन लेके जाके अपने सास को दे रही है, और ये रसम आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। देखो चाची आ गई अपने घर। तोर कार्ड घना ना भूले गए नो के बोल बोल गया बोल आई बोल मैं जूस हो गई मैं बड़ा पता है इरफान और रेहान ने कहा ये भूला है संगीत में इरफान और रेहान। देखो जेठानी देवरानी को शरबत पिला रही है, इसमें प्यार बढ़ेगा। ओके आओ आप पिलाओ, लो लो तुम भी पिला लो, चाची को पिलाओ। चलो हो गया। भाभी नहीं पिला पिलाएगी, वो रसम है। शर्मारा चलो पियो पूरा पियो। चलो हो गया।